पहला प्रश्न आपका ये रहा, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू प्लस टू के का एक शून्य माइनस फोर है तो k का मान क्या है। माइनस फोर इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू प्लस टू के, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। ऑप्शन ए दिया हुआ है 3, ऑप्शन बी दिया हुआ है 9, ऑप्शन सी दिया हुआ है 6, ऑप्शन डी दिया हुआ है -9। इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे इसको बनाएंगे। तो सिंस बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू प्लस टू के का एक शून्य माइनस फोर है, करने का मतलब कि x का एक वैल्यू है माइनस फोर आपको दिया हुआ है गिवन। क्योंकि x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू प्लस टू के का एक शून्य माइनस फोर है, तो k का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बहुपद दिया हुआ है उसको जीरो कर देंगे। x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू प्लस टू के इक्वल टू जीरो कर देंगे। दिस इम्प्लाइज एक्स का वैल्यू दिया हुआ माइनस फोर, तो माइनस फोर का होल स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू माइनस फोर माइनस टू प्लस टू के इक्वल टू जीरो कर देंगे। माइनस फोर का स्क्वायर करेंगे कितना बार 16, अब माइनस इंटू माइनस कर देंगे प्लस फोर, अब माइनस टू, अब माइनस इंटू प्लस माइनस टू के इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज 16 अब प्लस फोर कितना हो गया 20, अब माइनस टू तो कितना हो गया 18, माइनस टू के इक्वल टू जीरो, तो जीरो प्लस टू के, तो दिस इंप्लाइज 2k इक्वल टू 18, दिस इंप्लाइज k इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए 18, और 2 को दाया पक्ष में कर देंगे तो बाय 2 हो जाएगा 2 9 18, तो दिस इंप्लाइज k का वैल्यू जो है 9 होगा। और बताइए k इक्वल टू 9 आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ, देखिए तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि बी का मान क्या होगा, जिसके लिए बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस टू से पूर्णतः विभाज्य है। द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस एज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स माइनस टू इज, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 16। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे। तो बहुपद एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस एट एक्स माइनस टू से पूर्णतः विभाज है, तो क्या करेंगे एक्स माइनस टू को जीरो कर देंगे। माना कि एक्स माइनस टू बराबर जीरो, तो दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू कितना जाएगा जीरो, माइनस टू को दायां पक्ष में कर देंगे तो प्लस टू हो जाएगा, तो एक्स बराबर जीरो प्लस टू टू, एक्स का वैल्यू टू निकला। और क्योंकि बहुपद एक्स माइनस टू से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए बहुपद को क्या कर देंगे जीरो कर देंगे। अब क्योंकि एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर जीरो कर देंगे, एक्स का वैल्यू है टू, तो एक्स का वैल्यू टू पुट कर देंगे, टू का क्यूब प्लस फोर एक्स का वैल्यू टू, टू का स्क्वायर माइनस बी एक्स का वैल्यू टू और प्लस एट इक्वल टू जीरो कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे,
टू का क्यूब करेंगे एट प्लस टू का स्क्वायर करेंगे फोर, फोर फोर या सिक्सटीन माइनस टू पी प्लस एट इक्वल टू जीरो। तो एट प्लस एट कितना हो गया सिक्सटीन, अब प्लस सिक्सटीन तो कितना हो गया थर्टी टू, तो थर्टी टू माइनस टू पी इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज थर्टी टू इक्वल टू जीरो, माइनस टू पी को दया पक्ष में कर देंगे तो प्लस टू पी हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज टू पी इक्वल टू कितना हो जाएगा थर्टी टू, तो दिस इंप्लाइज पी इक्वल टू कितना हो जाएगा थर्टी टू बाय टू, कटा देंगे सोलह गुना बत्तीस, तो दिस इंप्लाइज पी इक्वल टू जो है सिक्सटीन, तो पी का मान हो गया सोलह। और पी का मान सोलह देखिए तो किस ऑप्शन में दिया हुआ बताइए, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर विल बी होल्ड ऑप्शन डी। तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि यदि x प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए एक्स प्लस थ्री ए माइनस सेवन का एक गुणनखंड है तो a का मान क्या होगा। x प्लस वन इज ए वेक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए एक्स प्लस थ्री ए माइनस सेवन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज। ऑप्शन ए नंबर वन, ऑप्शन बी माइनस वन, ऑप्शन सी जीरो, ऑप्शन डी माइनस टू। इन चारों ऑप्शन में से सही मान क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो क्या दिया हुआ है x प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए एक्स प्लस थ्री ए माइनस सेवन का एक गुणनखंड है, तो क्या करेंगे x प्लस वन को जीरो कर देंगे, x प्लस वन बराबर जीरो। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू जीरो, प्लस वन को दायां पक्ष में कर देंगे माइनस वन, x इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो माइनस वन माइनस वन, x का वैल्यू हो गया माइनस वन। अब क्या करेंगे बहुपद को जीरो कर देंगे, अगेन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए एक्स प्लस थ्री ए माइनस सेवन इक्वल टू जीरो कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे x का माइनस वन वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, x का वैल्यू माइनस वन, माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए एक्स का वैल्यू माइनस वन प्लस थ्री ए माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, माइनस वन का स्क्वायर करेंगे क्या होगा वन, अब माइनस इंटू माइनस प्लस थ्री ए, अब प्लस थ्री ए अब माइनस सेवन इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो थ्री ए प्लस थ्री ए कितना हो गया सिक्स ए, अब प्लस वन माइनस सेवन करेंगे कितना हो जाएगा माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो दिस इंप्लाइज सिक्स ए इक्वल टू कितना जाएगा जीरो, अब माइनस सिक्स को दायां पक्ष में कर देंगे तो प्लस सिक्स हो जाएगा। तो सिक्स ए इक्वल टू जीरो प्लस सिक्स, तो सिक्स हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज ए का मान कितना निकलेगा सिक्स, और इस सिक्स को दायां पक्ष में कर देंगे तो बाय सिक्स हो जाएगा, सिक्स हो गया सिक्स। तो दिस इंप्लाइज ए का मान जो निकलेगा वो वन निकलेगा, कहने का मतलब है कि ए का करेक्ट आंसर होगा वन। और वन देखिए तो आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस नाइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स प्लस सिक्स ए का एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है तो ए का मान क्या होगा। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल ए स्क्वायर प्लस नाइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स प्लस सिक्स ए
is the reciprocal of the other. Find the value of A. Option A 1, option B 2, option C 3, option D 4. इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको कैसे ज्ञात करेंगे बताइए। तो क्या कह रहा है कि एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम क्या होता है? उल्टा। तो माना कि दूसरा शून्य बराबर अल्फा मान लेते हैं, इसलिए पहला शून्य क्या होगा? अल्फा का उल्टा, अल्फा का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/अल्फा। इसके बाद देखिए बहुपद आपको दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है? ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। और बहुपद का दूसरा शून्य अल्फा है, पहला शून्य 1/अल्फा। तो शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू 1/अल्फा। और शून्य का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? सी बाय ए। तो सी बाय ए अल्फा अल्फा कैंसिल 1, और सी क्या है? कॉन्स्टेंट। और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो सी क्या है? कॉन्स्टेंट। तो बताइए द्विघात समीकरण ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a में कॉन्स्टेंट टर्म क्या है? 6a। तो 6a और a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 9। तो ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 कर देंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6a। दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 कर देंगे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 9 और 6a को बायां पक्ष में कर देंगे तो माइनस 6a इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? ए का होल स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह में a है इंटू बी की जगह में क्या जाएगा? 3, 2 3 या 6 है तो माइनस 6a को लिखे माइनस 2 इंटू a इंटू 3 प्लस 9 को क्या लिखेंगे? 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 2a 3 को b मान लेंगे तो 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज a माइनस 3 इक्वल क्या हो जाएगा? रूट अंडर 0। जब स्क्वायर को एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं तो क्या होता है? रूट अंडर हो जाता है। जब स्क्वायर को एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं क्या होता है? स्क्वायर रूट हो जाता है, स्क्वायर रूट 0। तो दिस इंप्लाइज a माइनस 3 इक्वल क्या हो जाएगा? 0 का वर्गमूल क्या होगा? 0। तो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 0 माइनस 3 को दायां पक्ष में कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? प्लस हो जाएगा, प्लस 3। तो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 3। तो a का करेक्ट मान होगा 3 और a का करेक्ट वैल्यू 3 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन c में। तो करेक्ट आंसर विल बी होल्ड ऑप्शन c। फिर से इसको देखिए कैसे बनाएंगे। तो मान लेते हैं कि दूसरा शून्य जो है अल्फा है, तो पहला शून्य क्या होगा?
वन बाय अल्फा, क्यों? कार है कि पहला शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, तो यदि दूसरा शून्य अल्फा मानेंगे तो पहला शून्य कितना हो जाएगा, वन बाय अल्फा। अब क्या करेंगे, शून्य का गुणनफल निकाल लेंगे, अल्फा इंटू वन बाय अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल तो वन बचा। और शून्य का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय ए, तो सी क्या है कॉन्स्टेंट और ए क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो शून्य का गुणनफल होता है सी बाय ए इक्वल टू वन। सी कॉन्स्टेंट टर्म है तो कॉन्स्टेंट टर्म आपका सिक्स ए दिया हुआ है, बाय ए तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस नाइन इक्वल टू वन। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस नाइन इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिक्स ए, और सिक्स ए को बाएं पक्ष में कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स ए इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसके बाद स्क्वायर को हम दायां पक्ष में कर देंगे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ए माइनस थ्री इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जीरो, जीरो का स्क्वायर रूट क्या होगा जीरो, तो ए माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो ए का मान कितना निकलेगा थ्री, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए थ्री, और थ्री आपका किस ऑप्शन में दिया होगा ऑप्शन सी में, तो करेक्ट आंसर विल बी होल्ड ऑप्शन सी।